Good morning to all of you. Myself Ramesh Kumar from GPC Dosa. जैसा कि अपन 8086 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लास्ट चार क्लास में अपन ने पहले माइक्रोप्रोसेसर के बारे में पढ़ा, फिर 8086 के बारे में पढ़ा, और 8085 और 8086 के बीच में अपन ने कंपेरिजन किया. देन 8086 का जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में पढ़ा. तो जो आपका आर्किटेक्चर है उसमें आपकी दो यूनिट होती हैं, एक आपकी बी होती है, एक आपकी एग्जीक्यूटिव यूनिट होती है, एक बस इंटरफेस यूनिट है, उसके बारे में पढ़ा. आज अपन इसका इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे. तो आज अपन इसका इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस और ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे. तो ब्लॉक डायग्राम में देखते हैं अपन, इसमें मेनली आपके 6 ब्लॉक आते हैं. ब्लॉक क्या है? एक आपका रजिस्टर एरे और इंटरनल मेमोरी का ब्लॉक है. रजिस्टर एरे जितने भी अपन ने रजिस्टर पढ़े हैं बीयू और सॉरी बस इंटरफेस यूनिट और एग्जीक्यूटिव यूनिट में, उनका एक ब्लॉक दे रखा है. तथा साथ ही साथ जो आपकी 8086 में मेमोरी है उसका ब्लॉक है, वो डेटा बस के साथ कम्युनिकेट करता है. ये आपके जो डेटा आपका ALU में जाएगा उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए यहाँ पे डेटा बस बता रखी है. जो भी आपका इंस्ट्रक्शन होगा वो कब एग्जीक्यूट करना है उसके लिए आपके कंट्रोल सर्किट होता है, जिसको अपन डिकोडिंग यूनिट बोलते हैं. तो डिकोडिंग यूनिट हर इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने के लिए काम में लिया जाएगा. इसी डिकोडिंग यूनिट के अनुसार आपका टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट है, वो आपका सिग्नल जनरेट करने के लिए काम में लिया जाता है. तो जो टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट है ये कंट्रोल बस जनरेट करने के लिए काम में लिया जाता है. इसी से आपका जो फ्लैग रजिस्टर है और ALU को इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे. इसके अलावा आपका जो डिकोडिंग यूनिट है यही आपका जो प्रोग्राम काउंटर है या इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है उसको सेट करने के लिए या उसके डेटा को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के लिए टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है. तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है आपका ALU. ALU क्या करेगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी जो भी आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं उसको परफॉर्म करने का काम करेगा. तो जो आपका ALU परफॉर्म करेगा उसके रिजल्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका जो आपका रिजल्ट आ रहा है उसका स्टेटस बताने के लिए आपका फ्लैग रजिस्टर काम में लिया जाता है कि आपका डेटा ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, उसको बताने के लिए फ्लैग रजिस्टर काम में लेते हैं. जब अपन ने नौ तरीके के फ्लैग अपन ने काम में लिए हैं, टोटल आपके 16 बिट का ये रजिस्टर होता है. नेक्स्ट है आपका इंटरनल स्टोरेज ऑफ डेटा. आपका जो भी डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी है तो उसको सेगमेंट करने के लिए जो आपका रजिस्टर का कॉम्बिनेशन बनता है वो आपका एक ब्लॉक रहेगा. इसके अलावा आपका जो भी मेमोरी और जो आपका इंस्ट्रक्शन है उसको फेच करने के लिए आपके यहाँ पे नेक्स्ट जो भी इंस्ट्रक्शन जो फेच करने के लिए आपके यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है उसको इंडिकेट करने के लिए ब्लॉक बना रखा है. इसके अलावा जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है उसको डिकोड करने का जो ब्लॉक है वो आपका डिकोडिंग यूनिट रहेगा. और लास्ट में आपका कंट्रोल ब्लॉक जो आपका टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने के लिए काम में लिया जाता है. तो ये आपका एक अपने ब्लॉक डायग्राम पढ़ा. अब इसका 8086 का एक कैसे रिव्यू कर लेते हैं. आपका 8086 है वो सबसे पहले इंटेल जो कंपनी थी उसने बनाया था और 1978 में बनाया था. इसमें जो टेक्नोलॉजी है या जो मोसफेट है वो आपके HMOS हाइब्रिड मोसफेट काम में लिया गया है. इसमें लगभग आपके 29,000 ट्रांजिस्टर लिए गए हैं और इसमें जो
आईसी होती है वो आपकी 40 पिन होती है, और ड्यूल इन लाइन पैकेज DIP फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जिसमें 5 वोल्टेज की सप्लाई चाहिए। इसके अलावा इसमें जो क्लॉक काम में लेते हैं उसके जो ड्यूटी साइकिल होता है वो 33% होता है। इसमें एड्रेस बस होते हैं 20 होती हैं, इसलिए इसका जो मेमोरी का जो एक्सेस मेमोरी है उसका जो साइज हो जाता है वो कितना होता है 1 मेगाबाइट। जो मेमोरी एड्रेस है उसको अपन सेगमेंट में अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, लोअर पार्ट एंड इवन और ओड बैंक। इसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं, डेटा बस 16 होती हैं, उसके अकॉर्डिंग 2 की पावर 16 इनपुट आउटपुट डिवाइस इंटरफेस करती है। इसके साथ ही 8086 है वो मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड में काम करता है, करने के लिए काम ले सकते हैं। इसके लिए इसमें आपकी पिन होती है वो डिसाइड करती है मिनिमम मोड में काम में लेना है या मैक्सिमम मोड। आज अपन पढ़ेंगे इसका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट सीक्वेंस, यानी कोई भी इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट कैसे होता है। तो उसके लिए कंट्रोल यूनिट होती है, वो स्टेप बाय स्टेप काम में इंस्ट्रक्शन देती है, कंट्रोल सिग्नल भेजती है। इस स्टेप को अपन फेज भी बोल सकते हैं। जो कोई भी आपका इंस्ट्रक्शन होता है वो आपका जनरली अपन मोटे तौर से पे देखें तो तीन स्टेप होते हैं। एक होता है इंस्ट्रक्शन फेचिंग का काम, एक डिकोडिंग का काम, एक एग्जीक्यूट का काम। इसके अलावा इसमें तीन और होते हैं जो आपके जो ये तीन स्टेप हैं फेचिंग डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग, इसको फाइनल करने के लिए काम में लेते हैं, इसलिए इसमें टोटल 6 स्टेप हो जाते हैं। तो नीचे देखिए आप, इसमें मेनली तीन ही काम होते हैं, फेच डिकोड और एग्जीक्यूट। तो ये जो मेन काम है ये आपके सीरियल में चलते हैं, जबकि बाकी के तीन होते हैं वो आपका पैरेलल में काम होता है। इसलिए जो आपका 8086 है उसमें पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट भी दे रखा है, वो यूज होता है। तो फर्स्ट होता है फेच। फेच में क्या होता है, जो भी आपका नेक्स्ट मेमोरी में से जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगा वो इंस्ट्रक्शन फेच में कंसिडर होगा। जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको अपन इंस्ट्रक्टर रजिस्टर होता है उसमें लोड करेंगे। देन जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है वो लोड होता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, जो आपका आईपी होता है उसमें, जो आईपी क्या होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का जो एड्रेस रखेगा वो आपका MAR में लोड हो जाएगा। उसके बाद में जो आपका MDR जो आपका रजिस्टर है उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आपका लोड हो जाएगा। पर जैसे ही लोड होगा जो आपका प्रोग्राम काउंटर है उसमें जो इसका पॉइंटर है उसको अपन 1x से इंक्रीमेंट कर देगा, यानी उसका जो भी पॉइंटर है उसको अपडेट कर देगा। और उसके बाद में डेटा होगा उसको मेमोरी में से फैच कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे, ये आपका 00, 01, 02, 03, ये जो आपका मार्किंग की हुई है ये आपकी किसी मेमोरी की मार्किंग की हुई है, ठीक है। तो यहाँ से डिकोडर डिसाइड करेगा कि आपका इसका अपर पार्ट लो पार्ट आपको इसको स्टोर करेगा MAR रजिस्टर में, और उसके बाद में MDR में ये लोड करेगा। उसके बाद में आपका PC और जो आपका इंस्ट्रक्टर पॉइंटर है उसके डेटा को अपडेट करेगा। तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है इंस्ट्रक्शन फेच का, कोई भी इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन होती है तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है फैच इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शन फैचिंग। देन इसको डिकोड किया जाएगा।
तो उसके लिए डिकोडर होता है। तो डिकोडर क्या करेगा कि आपका डिकोड का मतलब ये नहीं होता है कि आपका जो सिग्नल है वो एक लैंग्वेज से या अपनी जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में या लो लेवल से हाई लेवल में कन्वर्ट करेगा। डिकोडर का काम होता है कि वो आपको ये एग्जामिन करेगा कि इस पे ऑपरेशन कौन सी परफॉर्म करनी है। तो उसके ये जो आपका इंस्ट्रक्शन का ओपकोड है वो उसको ओपकोड जो आ रहा है उसको एग्जामिन करेगा। और ओपकोड होता है वो आपका हमेशा बाइनरी फॉर्म में होता है। जैसे ही ये आपका डिसाइड हो जाएगा, रिजल्ट इज सेलेक्टिंग यूनिक डिकोडर आउटपुट लाइंस, उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट लाइंस को सेलेक्ट करेगा। और जैसे ये जो आपकी आउटपुट लाइंस हैं, जैसे आपकी एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, जंप है, इनमें से जो भी लाइन सेलेक्ट होगी उसके अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वो सिग्नल दे देगा। इस तरीके से आपका डिकोडर होता है वो काम करता है। तो यहाँ पे अपन ये देख सकते हैं कि जो भी आपका इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे अपन ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे आपका इंस्ट्रक्शन डिकोडर इन लाइन्स में एक्टिवेट करेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी वो लाइन एक्टिवेट होगी। उसके बाद में जो एग्जीक्यूशन का काम है उससे पहले कुछ प्रोसेस होना ज़रूरी है, उसके बिना आपका एग्जीक्यूशन होने वाला काम नहीं हो पाएगा। तो ये आपके दो तीन स्टेप हैं जो छोटे छोटे हैं। उस एग्जीक्यूशन से पहले जो आपका ऑपरेंड है यानी जिस पे अपन को ऑपरेशन परफॉर्म करनी है उसका एड्रेस फेच करेगा या एड्रेस मालूम करेगा। कंप्यूट एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड, यानी जो आपका इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड है जिस पे अपन ऑपरेशन करना है उसका मेमोरी लोकेशन फाइंड आउट करेगा। एक बार जैसे डिकोडर ने डिसाइड कर लिया अब ये ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए आपको जो डेटा चाहिए, जैसे डिकोडर ने बोले एडिशन करना है, तो एडिशन के लिए आपको दो डेटा चाहिए। अब डेटा कहाँ से मिलेगा वो आपका थर्ड स्टेप में काम होता है, ऑपरेंड एड्रेस फेच, यानी इसमें आपका मेमोरी लोकेशन में वो एड्रेस कंप्यूट करेगा। उसके बाद में फेच ऑपरेशन, फेच इसमें क्या करेगा, जो आपका ऑपरेंड मालूम चल गया है उस मेमोरी का, तो उसको जो आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है उसमें ये लोड करेगा। लोड MAR विद एड्रेस कैलकुलेटर, रीड मेमोरी इनटू MDR, फिर मेमोरी में जो एड्रेस हुआ था उसको रीड करेगा। मेकिंग डेटा अवेलेबल एज इनपुट ऑफ द प्रोसेसिंग यूनिट, यानी जो भी आपका डेटा अब जाएगा वो कहाँ से जाएगा, MDR से जाएगा, यानी जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। तो ये थर्ड और फोर्थ है वो एक ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन पे डिसाइड होने के बाद में उसको एग्जीक्यूट होने के बीच का लिंक होता है। तो थर्ड और फोर्थ आपका बीच का लिंक बताएंगे। नेक्स्ट आपका जो स्टेप है होगा वो आपका एग्जीक्यूट फेज यानी एग्जीक्यूशन होगा। तो इसमें क्या होगा, आपके जो इन मेमोरी MDR रजिस्टर में जो आपके मेमोरी से डेटा रीड कर लिया है आपने उसको ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। उसके लिए यहाँ पे आपके अलग अलग ALU होता है, वो आपको अलग अलग इंस्ट्रक्शन जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करनी है उसके अकॉर्डिंग आपका ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा। जैसे एडिशन कर सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है, इंक्रीमेंट कर सकता है, कंपेयर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में उसका जो डेटा है वो मल्टीप्लेक्सर की सहायता से आपको आउटपुट में प्रोवाइड करवाएगा। तो इस तरीके से आपका कोई भी जो इंस्ट्रक्शन होता है वो तीन फेज में पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होता है। और जो मेन तीन फेज होते हैं वो आपका होते हैं फेचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूट। अब डिकोडिंग और एग्जीक्यूट के बीच में जो आपका प्रोसेस होता है उसको शो करने के लिए बीच में आपके दो और स्टेप आ जाते हैं, और वो स्टेप होते हैं आपके एवलेट ऑपरेंड एड्रेस फेज और फेच ऑपरेंड फेज, यानी इसमें जो डेटा जाएगा उसको आपको फाइंड आउट करना है
और उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट करना है। इसके बाद में लास्ट जो स्टेप है वो आपका है स्टोर रिजल्ट, यानी जो आपका आपने एग्जीक्यूट कर लिया है इंस्ट्रक्शन, अब उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपको लिखना है। तो उसके लिए आपको उसको डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। इसके बाद में अपन, तो जैसे ही आपका एक इंस्ट्रक्शन में ये चारों छठों स्टेप हो जाएंगे, छह स्टेप हो जाएंगे, पहला आपका फेचिंग का, देन आपका डिकोडिंग का, फिर उसमें डिकोडिंग के बाद में आपको ऑपरेंड का एड्रेस मालूम करने का, फिर उस ऑपरेंड को डेटा फाइंड का, फिर आपका एग्जीक्यूशन का, देन उसको डेटा को स्टोर कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है वो आपका चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, मेमोरी डेटा रजिस्टर, दो टाइप के रजिस्टर होते हैं। तो जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है वो पर्टिकुलर मेमोरी का एड्रेस रखता है, जबकि मेमोरी डेटा रजिस्टर है वो उस मेमोरी पे जो डेटा है उसको स्कैन करेगा। तो ये जो आपके दोनों रजिस्टर हैं वो आपके जनरली जो डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन के बीच में आपके ये रजिस्टर काम आते हैं। तो आपका जैसे ही डिकोडर डिसाइड करेगा कि ये आपको ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, उसके अकॉर्डिंग बाद में आपको डेटा चाहिए, डेटा कहाँ से मिलेगा वो आपको किसी भी पर्टिकुलर मेमोरी में स्टोर होगा, और मेमोरी इसमें स्टोर मेमोरी तक जाने के लिए अपन को MAR जो रजिस्टर है उसको काम में लिया जाएगा। उसके बाद में जो वहाँ पे डेटा है उसको रीड करने के लिए अपन MDR रजिस्टर काम में लेता है। तो ये आपके नीचे जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए ये रजिस्टर अपन अगेन अपन काम में लेते हैं। तो इस तरीके से आपका कोई भी इंस्ट्रक्शन है वो आपका ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अपन जो इसके पिन डायग्राम है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद में उसका मिनिमम मोड और एक्सट्रीम मोड पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।